मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की जगह अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस पर मोहर लगा दिया गया है। सरकार ने कहा है जो कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करेंगे उन्हें पूरी पेंशन मिलेगी। यूपीएस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा और ये स्कीम अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक से जुड़ी जानकारी को साझा करते हुए बताया है कि 10 साल जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं उन्हें 10,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। कर्मचारियों की अगर सेवा के दौरान मौत हो जाती है तो उनकी पत्नियों को 60% पेंशन दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि उनके फैसले को राज्य सरकार भी अपने यहाँ लागू कर सकती है और कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाला है। सरकार ने ये भी बताया कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम यानी कि मिनिमम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने मतलब जो रिटायरमेंट का पहला आखिरी 12 महीने होगा, एक साल होगा, उस दौरान औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उनके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प भी होगा, मतलब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, एनपीएस वाले यूपीएस में जो है जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प होगा। ये उन सभी पर लागू होगा जो एनपीएस की शुरुआत से ही इसके तहत सेवानिवृत्त हुए हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार इसके लिए बकायदा एरियर का भुगतान भी करेगी। जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। मैंने विकल्प दिया है पर एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने पर फायदा होगा। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक चल रही थी तो उसमें जो कर्मचारी संगठन के लोग मौजूद थे वो यूपीएस स्कीम से काफी खुश नजर आए। आपका क्या कुछ कहना है कॉमेंट करके बताइएगा।